बॉलीवुड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 15 साल की शादी के बाद आमिर खान और किरण राव ने अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। आमिर खान और किरण राव ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में इस बात का ऐलान किए है। अब दोनों के रास्ते अलग हो रहे हैं और दोनों अब अपनी ज़िंदगी को पति पत्नी बजाय अलग अलग जियेंगे। यह खबर दोनों फैंस के लिए बेहद चौंकाने वाली खबर है। बता दें कि आमिर खान और किरण राव ने अपने स्टेटमेंट में लिखा है कि इन 15 खूबसूरत सालों में हमने एक साथ जीवन भर के अनुभव, आनंद और खुशी को शेयर किए। हमारा रिश्ता सिर्फ विश्वास, सम्मान और प्यार में बढ़ाए। अब हम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करना चाहेंगे, जो पति पत्नी के रूप में नहीं बल्कि सह माता पिता और परिवार के रूप में। हमने कुछ समय पहले अलग होने का प्लान शुरू किया था और अब इस व्यवस्था को औपचारिक रूप देने में सहज महसूस कर रहे हैं। आमिर खान और किरण राव ने अपने स्टेटमेंट में आगे लिखा है कि हम दोनों अलग अलग रहने के बजाय अपने जीवन को एक विस्तारित परिवार की तरह शेयर करेंगे। आप अपने बेटे आज़ाद के प्रति समर्पित माता पिता है, जिनका पालन पोषण हम मिलकर करेंगे। हमारे रिश्तों में निरंतर समर्थन और समझ के लिए हमारे परिवारों और दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके बिना हम यह कदम लेने में इतना सुरक्षित महसूस नहीं करते। हम अपने शुभचिंतकों से शुभकामनाएं और आशीर्वाद की उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि हमारी इस तरह आप इस तलाक को अंत की तरह नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत के रूप में देखेंगे। धन्यवाद, प्यार, किरण और आमिर। वही आपको बता दें कि आमिर खान और किरण राव की मुलाकात फिल्म लगान के सेट पर हुई थी। दोनों का प्यार हुआ और दोनों ने 28 दिसंबर 2005 को शादी कर ली थी। इसके बाद सैरोगी सिंह मदद से दोनों ने बेटे आज़ाद को जन्म दिया था और 15 साल की शादी में किरण और आमिर ने कई उतार चढ़ाव देखे और कई चीज़ों का मिलकर भी सामना किया। वही बता दें कि आमिर खान ने अपनी पहली शादी रीना दत्ता से की थी। तो इस तरह बॉलीवुड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की दूसरी शादी भी टूट चुकी है। उन्होंने शादी के 15 साल बाद पत्नी किरण राव से आपसी सहमति से तलाक लेने की घोषणा कर दी है और दोनों ने 28 दिसंबर 2005 को शादी की थी। तलाक पर आमिर और किरण ने अब ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर दिए हैं।